हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम करेंगे जेईई मेन का क्वेश्चन बेटा, लिमिट्स का क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, लेट एफ आर गोज टू आर बी अ कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ टू गिवन है, एफ डैश टू गिवन है बेटा, एंड टर्म गिवन है इंटीग्रल 6 टू एफ ऑफ एक्स 4 टी क्यूब डी टी एक्स माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स बेटा गिवन है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 जी ऑफ एक्स। देखो बेटा बड़े इजीली जी ऑफ एक्स, अगर मैं इस टर्म को नीचे शिफ्ट करता हूं, देखो बेटा हमारे पास g ऑफ x आ जाएगा, एंड इस लिमिट में लिखोगे बेटा हमारे पास टर्म आ जाएगी, चेक करो बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 g ऑफ x आ जाएगा बेटा हमारे पास इंटीग्रल टर्म ऑफ 6 f ऑफ x इनटू 4 t क्यूब dt होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्लियर है बेटा टर्म? से नीचे शिफ्ट करोगे g ऑफ x के आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा अगर मैं पे फॉर्म चेक करोगे बेटा नीचे आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर तो डायरेक्टली 0 दिखाई देगा बेटा, न्यूमिनेटर अगर आप 2 पुट करोगे इंटीग्रल 6 f ऑफ 2 हो जाएगा बेटा, f ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, एंड बेटा अगर इंटीग्रल में नीचे एंड ऊपर लिमिट सेम हो जाएगी देन इस इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाएगा। कोई भी इंटीग्रल अगर नीचे एंड ऊपर बेटा सेम नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 एंड 6 हो जाएगा f ऑफ 2 पुट करके, देन इस इंटीग्रल का आंसर बेटा 0 हो जाएगा। देयरफॉर बेटा ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है बेटा, अगर 0 बाय 0 फॉर्म है देन बेटा इसमें एल हॉस्पिटल रूल बेटा एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल मींस बेटा न्यूमिनेटर पार्ट की सेपरेट डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर पार्ट की सेपरेट डिफरेंशिएशन। बेटा इस इंटीग्रल पार्ट की अगर हमने डिफरेंशिएशन करनी है, इंटेग्रल पार्ट की डिफरेंशिएशन के लिए रूल है लेबनिज रूल बेटा, हम इसमें लेबनिज रूल का यूज करेंगे बेटा। लेबनिज रूल किस तरह यूज करोगे? देखो बेटा अगर इंटेग्रल पार्ट की हमें डिफरेंशिएशन करनी है बेटा, पहले न्यूमिनेटर वाला जो ऊपर वाली वैल्यू है बेटा v ऑफ x इसमें पुट करोगे f v ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v एक पार्ट माइनस बेटा नीचे वाले पार्ट की डिफरेंशिएशन करोगे f u ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। मींस बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं क्या, जो ऊपर वाली वैल्यू है बेटा इस x की जगह पे रिप्लेस करोगे जो भी नंबर है बेटा, यहाँ पे t आएगा एक्चुअली, t की जगह पे मतलब इस जगह पे रिप्लेस करोगे फर्स्ट टर्म इनटू इस पार्ट की डिफरेंशिएशन बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ v जो ऊपर था, ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे देन उसकी डिफरेंशिएशन माइनस बेटा नीचे वाली u वाली वैल्यू पुट करोगे बेटा, u वाली वैल्यू पुट करोगे एंड बेटा इस पार्ट की डिफरेंशिएशन करोगे डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन करोगे, ऊपर वाली वैल्यू पुट इस पार्ट की डिफरेंशिएशन देन नीचे वाली वैल्यू पुट उस पार्ट की डिफरेंशिएशन। देखो बेटा किस तरह से क्वेश्चन में देखना, देखो बेटा इसमें मैं डिफरेंशिएशन करूंगा न्यूमिनेटर पार्ट की बेटा, फर्स्टली डिफरेंशिएशन में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बेटा इसमें पुट करोगे 4 f ऑफ x होल क्यूब बेटा, ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे 4x f ऑफ x होल क्यूब इनटू इस ऊपर वाली पार्ट के डिफरेंशिएशन f माइनस बेटा नीचे वाली वैल्यू पुट करो इसमें 4 6 क्यूब इनटू नीचे वाले पार्ट के डिफरेंशिएशन बेटा 0, ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे बेटा उसकी डिफरेंशिएशन करोगे देन नीचे वाली वैल्यू पुट करोगे उसकी डिफरेंशिएशन करोगे सेम बेटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0। नाउ बेटा वैल्यू ऑफ x 2 पुट करोगे नंबर बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू एफ ऑफ 2 क्यूब इंटू एफ डैश 2 माइनस 0 हो जाएगा बेटा पूरे टर्म, 0 इंटू एनी नंबर इज 0 होल डिवाइडेड बाय 1। देखो बेटा इसमें से वैल्यूज पुट करो एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 2 वैल्यू 6 है बेटा, बेटा दोनों वैल्यूज जगह पे पुट करोगे आप हमारे पास टर्म बचेगी 2 इंटू 6 क्यूब इनटू एफ डैश 2 बेटा 1 बाय 40। बेटा इसकी कैलकुलेशन करोगे ये हो जाएगा 12 6 इनटू 6 इनटू 6 इनटू 1 बाय 12 बचेगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 एंड ये कैंसिल हो जाएगा 3 बेटा 18 18 बेटा ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर दिखाई दे रहा है, 18 ए ऑप्शन बेटा फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक यू।